अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मी अलीजी रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये क्यूट सी बेबी ड्रेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है जिसकी लंबाई 15 इंच है और यहाँ से मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी शोल्डर के लिए और आर्म होल की लंबाई यहाँ पर रखेंगे हम 5 इंचेस। तो यहाँ पर आर्म होल के लिए इस तरीके से निशान लगा करके आर्म होल करेंगे तैयार। बस साइज हम 6.5 लेंगे, तो 6.5 इंच पर हम एक निशान लगा देना है और इसके बाद कुछ इस तरीके से इंच टेप रखते हुए हमने ए लाइन ड्रेस बनानी है। तो इसके लिए मार्किंग कर देंगे। तो ये नीचे से होगा 8 इंच, ठीक है, ये ए लाइन ड्रेस होगी। इसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे लगभग 1 इंच पर हम एक निशान लगा देते हैं और यहाँ पे गले की जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी और लंबाई भी 2 इंच होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने इसे कर देना है कट। कट करने के बाद हमने इस पैनल को एक दूसरे फैब्रिक पीस पर रखना है और सेकंड पैनल हमने ऐसे ही काट देना है। इसे काटने के बाद हमने फिर इसका नेक कट करना है जो कि 2 इंच होगा। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 इंच होंगी। तो ये है बैक पैनल। तो इसका जो गले की चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी और जो लंबाई होगी वो 1 इंच होगी। और यहाँ पर इसे बीच में से हमने कट लगाना है तो उस कट की लंबाई हमने 5 इंच लगनी है, ओके, और इसको कर देना है कट। तो ये फ्रंट का नहीं है, ये बैक पैनल है। तो यहाँ फ्रंट और बैक पैनल दोनों तैयार करने के बाद हमने करना है कि जो हमने पिछली वीडियो में हैंड एम्ब्रॉयडरी करी थी एक फैब्रिक पीस पे, तो उस पीस को हमने यहाँ लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से लगाना है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे 2 फैब्रिक पीसेस लेने छोटे और उसे कुछ इस शेप में काट देना है। तो इस शेप में हमने 4 पीसेस काटने हैं, ठीक है। तो इस शेप में हमने 4 पीसेस काटने हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। इसके बाद जो बैक पैनल पे हमने नेक डिज़ाइन बनाया है उस पर हमने सबसे पहले स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद हमने जो ये कट लगाया है यहाँ पर हमने सबसे पहले पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी है 1.5 इंचेस। तो इस पट्टी को हमने ये जो कट लगाया है ना यहाँ पर लगानी है। तो इस तरीके से हमने ये दोनों पट्टियाँ लगा देनी हैं और इसको अंदर करते हुए एक के ऊपर एक रख देना है। तो सिलाई करने से पहले मैंने इसे अपनी जगह सेट करना है। तो यहाँ मैंने आलपिन लगाई है सेट करने के लिए और इसके अराउंड में सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद जो हमने ये पीस काटे थे
तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये दो पीस को एक के ऊपर एक रखते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा दी चार, और इसको सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे। अब ये जो पीस हमने बनाया था तो इसके पीछे मैंने ये पेपर कैनवास लगाया है। तो पेपर कैनवास मैंने ये वाला पेपर कैनवास जो स्टिकी वाला होता है ना वो वाला लगाया है और उसे प्रेस से सेट कर दिया, और इसके नीचे और ऊपर से मैंने एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन है नीचे और ऊपर से। तो ये डिज़ाइन हमने फ्रंट पैनल पे लगाना है, इस ड्रेस के फ्रंट पैनल पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसे रखा जाएगा, ठीक है, और इसे यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये हैं इसके जो हमने छोटे छोटे से डिज़ाइन बनाया था ना, तो ये हमारे किटी के कान हैं। तो ये खूबसूरत लग रहा है। बहरहाल इसे करते हैं उल्टा। उल्टा करने के बाद हमने इसे कुछ इस तरीके से रखना है, और जो हमने मार्जिन रखा है आधे इंच या कह लें एक सेंटीमीटर का, वहाँ पे लगानी है इस तरीके से सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसे सेट कर देना है और इसे फोल्ड करना है आगे की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और ऊपर से भी इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते हुए हमने कानों को इस तरीके से इसे लगा देना है किटी के। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद ये खुद ना देखिए कितना क्यूट लग रहा है। बहरहाल यहाँ हमारा फ्रंट पैनल भी तैयार हो गया है। अब फ्रंट पैनल के ऊपर हमने रखना है बैक पैनल, और इसके शोल्डर को जॉइन करना है। तो इसको इस तरीके से हमने बैक पैनल को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए इसके शोल्डर को जॉइन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर जॉइन कर दी हैं। इसके बाद हमने नेक पर और शोल्डर पर पट्टियाँ लगानी हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तीन पट्टियाँ ली हैं एक ही साइज़ की। तो ये कम से कम है दो इंच चौड़ी हैं ये, और लंबाई अपने हिसाब से ले लीजिएगा। शोल्डर और नेक में जितना आएगा देख लीजिएगा। तो इन पट्टियों को इस तरीके से फोल्ड करके और नेक के अराउंड इसके फिक्स कर देना है, और इसी तरीके से हमने इसके शोल्डर पर पट्टी लगानी है। जिस तरीके से हम नेक पे लगाएंगे वैसे ही हमने शोल्डर पे पट्टी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने नेक पर ये पट्टी लगा दी है, और छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। कट्स लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फिनिशिंग नहीं आती है। छोटे छोटे मैंने यहाँ पर कट्स भी लगाए हैं। तो जैसे ही हमने नेक पर पट्टी लगाई है वैसे ही हमने दोनों शोल्डर पे पट्टी लगानी है। तो ये हो चुका है यहाँ तैयार। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा एल्बो बनाना है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फैब्रिक लिया है, और इसको करना है इस तरीके से फोल्ड। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको सिल दिया है। सिल करने के बाद इसको करना है सीधा। तो यहाँ मैं बहुत छोटे साइज़ का बो बना रही हूँ। अगर आपने बो बनाना नहीं आता है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो दे रखी है कि किस तरीके से आप बो बना सकते हैं, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैं बहुत छोटे साइज़ का बो बना रही हूँ, तो शायद आपको समझ में नहीं आए, तो वहाँ पर आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर बारीक काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल तो इसको करना है सीधा। सीधा करने के लिए मुझे ना सेफ्टी पिन नहीं मिल रही थी कहीं भी, और तो मैं इसे जैसे तैसे इसे सीधा करना है इसे ही। तो इसका बनाना है हमने हेयर बो, और इसे कुछ इस तरीके से बना करके और इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ मैंने सुई से लगाया है, आप चाहें तो आप इसे गम से भी चिपका सकते हैं, पर गम से चिपकाने से ऐसा होता ना कि वो निकल ही जाता है। तो अब बनाते हैं, इसमें हमने डायपर कवर बनाना है। तो फैब्रिक पीस पे इस तरीके से डायपर कवर का ड्राफ्ट रखते हुए मैंने इसे
ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अगर आपने डायपर कवर बनाना नहीं सीखा है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, तो मैंने उसकी वीडियो पहले से ही दे रखी है, तो जा करके देख लीजिएगा। अब इस डायपर कवर की कटिंग करने के बाद हमने दो दो इंच ऊपर की तरफ हमने निशान लगाना है, जो दो इंच एक्स्ट्रा काटा था ना, तो वहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट पैनल प्लस बैक पैनल दोनों पर हमने दो दो इंच पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसके बाद हमने लेनी है एक ही साइज़ की दो पट्टियाँ, जिसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और लंबाई इसकी है लगभग 26 इंचेस इसकी लंबाई है। तो इसे नीचे तर से हमने फोल्ड कर देना है, सिर्फ एक ही तरफ से फोल्ड करना है, दोनों तरफ से नहीं। और इस तरीके से हमने इसमें प्लीट्स लगाते हुए हमने डायपर के कवर के साथ इसे अटैच कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसे रखना है, और जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना, उसे क्राइटेरिया मान करके हमने इस तरीके से इस पर प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ प्लेट्स लगा दिए मैंने दोनों बैक पैनल और फ्रंट पैनल पे। अब इस फ्रंट और बैक पैनल को इस तरीके से नीचे से जॉइन करना है और सिलाई कर देनी है। अब इसके बाद हमने दोनों तरफ यहाँ पर इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसे करना है फोल्ड। वैसे डायपर कवर की पूरी वीडियो ना मैंने पहले ही दे दी है, जाकर के उसे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में यहाँ नहीं आता है तो वहाँ जाके आप इजीली समझ सकते हैं कि डायपर कवर किस तरीके से आप बना सकते हैं। अब लास्ट में हमने इसे डायपर कवर को फाइनली साइड से भी हमने जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद इसको करना है सीधा, तो यहाँ इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करके इलास्टिक के लिए फिक्स करना है। तो इससे पहले हमने इसमें लेस लगा दी है और इसके बाद हम इलास्टिक के लिए इसमें नेफा तैयार करेंगे। तो ये लगभग अब हो चुका है कंप्लीट, तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो या आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना, तो मुझे वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ज़रूर उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो या इट्स कम्प्लीट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और दुआओं में याद रखिएगा।